चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं गुरुग्राम से, जहां पर घने कोहरे का असर भी देखने को मिला है। गुरुग्राम में भी घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है कोहरे की वजह से, राहगीरों को भी परेशानी हुई है। तो बारिश के बाद अब कोहरे का सितम यहां पर लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में घना कोहरा छाया रहा, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता सूरज द्वान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बारिश के बाद अब घने कोहरे का असर जो है वो साइबर सिटी में दिखाई दे रहा है, ऐसे में कितनी ज्यादा परेशानी यहाँ पर वाहन चालकों के लिए होते हुए दिखाई दे रही है, और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि हादसे ना हो इस घने कोहरे की वजह से? सूरज, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रीति जी, कोहरे की वजह से कितना असर दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ताकि सड़क दुर्घटनाएं कोहरे की वजह से ना हो? देखिए प्रीति, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, रात से ही यहाँ पर घने कोहरे ने अपनी चादर यहाँ पर बिछाई हुई है। अगर हम ट्रैफिक की बात की जाए, रोंग रोंग के जो ट्रैफिक है वो चलती नजर आ रही है। अगर हम सुरक्षा करने की बात बताएं तो जो कुछ ऐसे रोड है जहाँ पर सफेद पट्टी नहीं लगी हुई है, और रात को एक बड़ा हादसा भी हुआ है जहाँ दो लोगों की मौत भी हुई है। कहीं ना कहीं कोहरे ने अपना पैर पसार लिया है और उसके चलते हुए लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सुबह से ही जो हम आसपास के एरिया की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, तो वहाँ पर यहाँ पर ज्यादा कोहरा की यहाँ पर छाया हुआ है। जी प्रीति। सूरज, क्या खुद लोग भी जागरूक हैं कि कोहरा इस वजह से जो है वाहनों की गति उसको धीमा रखें, या अभी भी कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो तेज देख पा रहे हैं? देखिए फिलहाल जो आपको बताना चाहूंगा, रात को 2 बजे ही यहाँ पर जो धुंध है और जो कोहरा है वो छाया हुआ था, और सुबह से ही बहुत कोहरा छाया हुआ है, अभी भी कोहरा छाया हुआ है। लेकिन ट्रैफिक जो ट्रैफिक नियमों की बात की जाए तो लोगों को अब धीरे धीरे वो चल रहे हैं। इतना जरूर है जो तेज रफ्तार से चलता है तो लगातार वो जो हादसे का डर रहता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन लोग जागरूक जरूर हैं। लेकिन चलते हुए कुछ खामियां भी यहाँ पर प्रीति देखने को मिल रही है। कुछ रोडों पर जो सफेद पट्टी और जिस तरह की जो लाइटें हैं वो नहीं चलती, इसलिए लोगों को काफी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों को यहाँ पर कुछ समझ कर गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, और काफी दिक्कत लोगों को हो रही है क्योंकि आज घना कोहरा यहाँ पर गुड़गांव में छाया हुआ है। जी प्रीति, क्या अभी भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है या छट चुका है? देखिए सुबह से ही यहाँ पर बादल छाए हुए थे, कोहरा भी छाया हुआ था। अभी कोई यहाँ पर कोई सूर्य अभी नहीं निकला है, इतना जरूर है अभी भी बहुत सर्दी है। उसके साथ साथ कोहरे ने भी अपने पैर पसारे, कोहरा भी पूरे यहाँ पर छाया हुआ दिखता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिए सूरज हमारे साथ यहाँ पर। जींद से भी संवाददाता परमजीत पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ मैं। परमजीत, जींद में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, कितना असर कोहरे की वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है? बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तरी भारत के अंदर सर्दी का सितम जारी है, वहीं आज जींद जिले में कोहरे का कहर देखने को मिला। जो वाहन है वो रैंक रैंक कर चलते नजर आए, हालांकि यात्रियों को इसके लिए काफी क्योंकि यात्रियों का कहना है कि हम जब निर्माणा जाते थे तो हमारे को करीबन 1 घंटा लगता था, उसी सफर का अब हमारे को 2 घंटे लग रहे क्योंकि जो है 2 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वाहन बिल्कुल जो है धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं। और देखिए जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि इसके दौरान सर्दी बढ़ी है क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, जिसके कारण से सर्दी जो है बढ़ी है। तो जिन सिविल की बात की जाए तो लगातार खांसी जुकाम के मरीजों के ओपीडी में इजाफा हुआ है। और देखिए प्रीति, ये जो ठंड है हालांकि गेहूं की फसल के लिए लेकिन फायदेमंद है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जो है लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जी प्रीति जी बिल्कुल। सूरज, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, साइबर सिटी गुरुग्राम है और सुबह से ही यहाँ पर आवाजाही जो है वो शुरू हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ग्राउंड पर कितनी सतर्क दिख रही है इस कोहरे के चलते ताकि सड़क दुर्घटना ना हो, लोग नियमों का पालन करें, इन सब चीजों को लेकर ट्रैफिक पुलिस क्या ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? देखिए फिलहाल अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात बताएं तो शाम 9 बजे तक तो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर काम जरूर करती है, जैसे ही 9 बजते हैं उसके बाद यहाँ पर गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इसकी खामी ये भी रही है कि गुरुग्राम पुलिस अभी तक सत्ते में नहीं है, नजर आई थी कि क्योंकि पहले भी इतना कोहरा नहीं पड़ा था जितना कोहरा अब आज के दिन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल प्रशासन सत्ते में नजर जरूर आएगा क्योंकि रात को ही बड़ा हादसा हुआ था। इतना जरूर है कि अभी कुछ ट्रैफिक पुलिस जो रोडों पर दिखने लगे हैं
और वो रेड बत्तियों पर बिल्कुल खड़े जरूर रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है, चालान काटने के अगर बात की चालान काटने की बात आती है तो ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल सतर्क रहती है। अगर हम जागरूकता की बात की जाए तो कोहरे की बात की जाए तो रात के समय में आपको पुलिस नहीं दिखेगी। अगर कोई अपने जो 15 अगस्त 26 जनवरी का अगर कोई अलर्ट किया जाए तब बिल्कुल सतर्क रहते हैं, गुड़गांव पुलिस रहती है। लेकिन उसके बावजूद अगर रात की बात किया, रात को हम अगर मुआयना भी करेंगे तो चौक चौराहे पर जो बूथ रहते हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस बैठे मिलते हैं। तो यहाँ पर जितनी एक्टिवनेस ग्राउंड पर होनी चाहिए ट्रैफिक पुलिस की, वो भी घने कोहरे के दौरान, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया परमजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो जगहों पर जो है कोहरे का काफी ज्यादा असर देखने को मिला, हालांकि हरियाणा के कई हिस्सों में जो है घना कोहरा आज सुबह से ही छाया रहा, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई है, इस पर यातायात इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। चलिए हरियाणा टुडे में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, देश प्रदेश की अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। और अम्मा किसे वोट